जमीनी विवाद ने ऐसा रूप लिया कि बाहर से आई तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां और परिवार वालों के ऊपर कर दिया वार। जमीनी विवाद को लेकर तकरीबन आधा दर्जन भर लोग घायल हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने नारनौल रेवाड़ी राजमार्ग पर लगा दिया जाम। ताज़ा मामला नारनौल के साथ लगते गांव सराय बहादुर नगर का है, जहां अज्ञात युवक आधा दर्जन भर गाड़ियों में सवार होकर आए और जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायलों को नारनौल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने नारनौल दिल्ली राजमार्ग पर जाम लगा दिया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। बहरहाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब जाकर ग्रामीण माने और पुलिस को जाम खुलवाने में सफलता मिली। जमीनी विवाद ने ऐसा रूप लिया कि बाहर से आई तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां और परिवार वालों के ऊपर कर दिया वार। जमीनी विवाद को लेकर तकरीबन आधा दर्जन भर लोग घायल हुए। गुस्साए ग्रामीणों ने नारनौल रेवाड़ी राजमार्ग पर लगा दिया जाम। ताज़ा मामला नारनौल के साथ लगते गांव सराय बहादुर नगर का है, जहां अज्ञात युवक आधा दर्जन भर गाड़ियों में सवार होकर आए और जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायलों को नारनौल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने नारनौल दिल्ली राजमार्ग पर जाम लगा दिया और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। बहरहाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब जाकर ग्रामीण माने और पुलिस को जाम खुलवाने में सफलता मिली। कलम की ताकत के लिए नारनौल से ब्यूरो रिपोर्ट। कुछ महिला भी हैं जो घायल हुई है, बता रहे कि अस्पताल में चार दिन की है। पीड़ित को क्या आश्वासन दिया है? जल्द जल्द कार्रवाई की जाएगी। और जमीन का मैटर तो ये आपस में बैठ के सुलझाया जाता है। ये भी अगर ठोका बिंदी करते किसी भाड़ बेटी को मारना, और ये तो खाली पिटाई पिटाई नहीं, माताओं के अच्छी तरह मारी है, किसी के सिर में लग रही है, किसी के पाँव टूट रहे, हथियार थे लकड़ियों से लेकर सरियाम मारना, ये गुंडागर्दी है। और पुलिस वाहनों से मिला जुला है, पुलिस आते ही तुरंत खुलवा दिया जाए, ये कोई नाइंसाफी थोड़ी ना है। ये तो क्या महिला होंगी आपके साथ? यहाँ महिला कम से कम 10-12 महिलाओं को मारा। नहीं, जो पीड़ित महिला है वो पीड़ित तो 4-5 महिलाएं हैं, लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि पुलिस ने आके, पब्लिक ये तो शांत है, अगर गुस्से वाली होती तो पुलिस वालों को क्या हो जाता है? ये तो शांति प्रिय सुर्ख आर्ड मारे हैं, लेकिन इनके नहीं हुआ तो बातें ऊपर जाएंगे। ठीक है ना जी, मामला ये है कि जमीन का डिस्प्यूट था कुछ का, तो बाहर से 10-15 गाड़ी आई, उसमें 20-25 आदमी हैं और उसके परिवार को मारा सुरेश को, 3-4 लेडीज और 2-3 जेंट्स है, बच्चे भी है, उनको गंभीर चोट आई और वो एडमिट है। तो ऐसे ही अगर प्रशासन इन पर वो नहीं कसेगा ना फिर, तो ये कल फिर आएंगे गांव में किसी के साथ वार्ता। अभी जो महिला आप बता रहे हैं, क्या वो महिला उपचार के लिए कहीं उनको भेजी गई है? हाँ, वो है नारनौल एडमिट। क्या क्या नाम है उन महिला को? उनका पूनम, कमलेश, धनपति और उनके बच्चे नवीन, सुरेश। ये चल रहा है, ये आपस में मतलब बिजली जमीन थी, इसका झगड़ा हुआ है, कब्जा ले रहा है वो, लड़ाई करके टैक्स निभाए गए, लड़ाई करके 2-3 लड़कियों लकड़ियों से मारी है और लड़कों को मारी है और वो कईयों को भी लगी है। आज बहुत बड़ा हमला किया है, 3-4 बलोड़ों थी और 15 आदमी थे। हमने बात अभी अभी क्या आप वहाँ पे अभी जो बता रहे हैं महिला को जो पीटा गया है, क्या वो अस्पताल में एडमिट है? एडमिट है, जितने 5 अच्छा 5 अस्पताल में एडमिट है। क्या क्या नाम है उनका? एक का धनपति, एक का कमलेश, एक का पूनम, एक का सुरेश, एक का नवीन, एक का रंजीत। किस गांव की घटना है? छराय बहादुर नगर की घटना है। कहाँ से? सराय से। मामला क्या था? ये जी जमीन का डिस्प्यूट है। अच्छा, और बाहर से 5-7 गाड़ी वाले आए और इनके लेडीजों के साथ मारपीट की। अभी यहाँ पे जाम भी अगर देखा जाए तो 5-6 किलोमीटर तो लंबा जाम भी था। प्रशासन जब आया है, इनकी तरफ से आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन ये कि कल तक जो उनको जो उनमें से एक लड़का थापड़ा का था। क्या नाम? उसका नाम तो जी वेद, 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 व
बोले कल तक जी अरेस्ट कर लेंगे, कल तक कार्रवाई होगी। क्या प्रशासन की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है वो आप संतुष्ट हैं? हाँ जी संतुष्ट तो है ही आप, और इसके अलावा दोबारा फिर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर दोबारा उसे एक्शन लिया जाएगा।